नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। किसान दोस्तों, आजकल के मार्केट में आपने बहुत सारी थ्रेसर देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी थ्रेसर दिखाने वाला हूँ जिसका नाम प्रत्येक किसान की जुबान पर है। मैंने भी कई जगह सुना है कि थ्रेसर तो NBT, थ्रेसर का मतलब NBT। तो किसान दोस्तों, मुझे मजबूर होकर आज आना पड़ा है NBT कंपनी में, और हमारे साथ है इस कंपनी के ओनर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका यूट्यूब चैनल और इतनी गर्मी के अंदर यहाँ NBT कंपनी में पहुँचे हो, NBT के पूरे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए उन किसान भाइयों का हार्दिक दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतना NBT को विश्वास और प्यार दिया। किसान भाइयों का वेलकम, धन्यवाद, स्वागत। तो सर, मैंने जैसे मैं आजकल फील्ड में जा रहा हूँ तो एक लाइन बहुत सुनने को मिल रही है मुझे, अगर किसान भाई को थ्रेसर चाहिए जी तो NBT का। किसान का कहने का मतलब है थ्रेसर हो तो NBT का जी, थ्रेसर मतलब NBT जी। तो इसके पीछे क्या हुआ है, क्या कर दिया आपने किसानों को? एक बार ये बात मेरे को भी समझ में आई थी, हिसार एग्रीकल्चर का कोई मिला था जी, वहाँ पर NBT की स्टाल थी और मैं भी चला गया वहाँ पर जी। तो बड़ी स्क्रीन पे चल रहा था वाशिंग पाउडर निर्मा जी, वाशिंग पाउडर निर्मा, और दूसरी लाइन पर ये चला कि ठंडा मिंच कोका कोला जी, और तीसरी लाइन पर थ्रेशर NBT। थ्रेशर मतलब NBT। और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इतना प्यार दिया हुआ किसानों को, मेरे पास उनके धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तो इसका मतलब है किसान आपसे बिल्कुल अपने अंदर आत्मा से जुड़े हुए हैं जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको। देखो, अगर इस थ्रेसर पर बात करें ना, इस थ्रेसर पर अगर मेन शाफ्ट पर हाथ रख के देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे दिल की धड़कन के साथ इसकी वाइब्रेट चल रही है, इतना हमें थ्रेसर NBT से प्यार है जी। तो अब बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो आपके NBT थ्रेसर जो देख रहे हैं इसकी विशेषता के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या विशेषता है इसके बारे में। थ्रेसर आपके सामने खड़ा है किसान भाइयों के सामने, और किसान भाई इस मॉडल को अच्छी तरह से जानते हैं, ये NBT 5-स्टार मॉडल है जी। NBT 5-स्टार, 5-स्टार किसानों के द्वारा दिए गए स्टार, अब तो 6, 7, 8 भी हो गए जी, ठीक है, लेकिन ये मॉडल है NBT 5-स्टार। अगर इस मॉडल की बात करें तो आगे डबल स्टेप और डबल स्टेप के अंदर ही 3 स्पीड की पुलियां लगी हुई है जी, और हैवी ड्यूटी की पुलियां और हैवी बेल्ट और डबल बेल्ट इसके अंदर लगी हुई है जी। इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर 5-स्टार की बात करें जी, तो वैसे तो इस मॉडल का रेगुलर था, रेगुलर मॉडल को अपडेट करके किसानों ने इसको 5-स्टार का नाम दिया, और इस रेगुलर मॉडल के अंदर जो जो कमियां बताई गई वो किसान द्वारा उन कमियों को दूर करके किसानों द्वारा दिया हुआ नाम NBT 5-स्टार मॉडल जो आपके सामने ये मॉडल है। इसमें चाहे बेल्ट की बात करें, चाहे व्हील की बात करें, या इसके अंदर लगी हुई ब्लेडें की बात करें, या चलना चाली ड्रम जाल की बात करें, पूरे का पूरा ये NBT पैटर्न के ऊपर तैयार किया गया थ्रेशर जी। तो सर, जैसा कि आपने अभी कहा है कि 5-स्टार मॉडल है जी, तो ये नाम तो किसानों ने 3-4 साल से दे रखा है इसको 5-स्टार। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, किसानों द्वारा 3-4 साल पहले 5-स्टार का मॉडल दिया गया है, लेकिन इस मॉडल को मॉडिफाई करके किसानों की डिमांड के हिसाब से इसको नए रूप के अंदर, नया वर्जन के रूप में इसको तैयार करके इस NBT 5-स्टार आज आपके सामने जो वीडियो दिखा रहे हैं जी। तो अब बात करते हैं हम, इसमें यह जो लगा हुआ है यह किस लिए लगा हुआ है? ये तो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, ये किसान इसको ढक्कन को खोल करके इसकी पुलियां चेंज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, किसान अपने आप ही कर सकता है। RPM कम ज्यादा इसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जी, ये 3 स्टेप है। किसान गिल्ली सूखी फसल को मद्देनजर रखते हुए, ट्रैक्टर छोटे बड़े के हिसाब को मद्देनजर रखते हुए अपनी मन मर्जी से इसके RPM कम ज्यादा करके इस मशीन को चला सकता है। तो अब बात करते हैं इसमें फैन के, कितने फैन है इसमें? ये 4 फैन का थ्रेशर है, 4 फैन का थ्रेशर है। दो जो पंखे हैं वो ड्रम के अंदर लगे हुए हैं जी, ये चलने से माल को उठाने के लिए, तीसरा इसके अंदर ये फिल्टर दिया हुआ है, चौथा ये एयर फैन दिया हुआ है। फिल्टर जो है माल को उठा करके जो है, कई बार दाना भी चला जाता है लेकिन वापस ड्रम के अंदर जाएगा जी। अगर एयर फैन की बात करें तो ये हवा में उस साइड में उड़ाएगा, और उस साइड में क्या करेगा उस साइड में आपको बताते हैं जी जी।
और जैसे अब हम आपके इस एनबीटी थ्रेसर जिसको किसानों ने नाम दिया 5 स्टार जी, तो इसकी ये बैक टोकरी जो ये मुझे काफी बड़ी लग रही है। देखो 48 इंच का ये थ्रेसर है जी, थ्रेसर ही बड़ा है तो टोकरी तो इसकी ऑटोमेटिक बड़ी होगी जी, लेकिन जो छोटा मॉडल होगा 32 इंच की टोकरी छोटी होगी, 36 इंच होगा उससे और बड़ी होगी, और 42 इंची या 45 इंची होगा उसके और बड़ी होगी। ये तो 48 इंची 4 फुट है और इसकी टोकरी तो ऑटोमेटिक बड़ी होनी है जी। और अब बात करते हैं हम इसके टायर, जैसे टायर देख पा रहे हो तो यह भी एक मुझे बढ़िया क्वालिटी लग रहा है, तो इनके बारे में बताइए थोड़ा। देखो ये बहुत बढ़िया टायर हैं, नाइलॉन के टायर हैं, 916 का नंबर है इन टायरों का, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये उपलब्ध हैं। ये नहीं है कि एलमबाद में एनवीटी में मिलेंगे। अगर एक्सल की बात करें बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक्सल, लंबाई में चौड़ा, और अगर इसके व्हील की बात करें तो 32 इंची का व्हील 125 क्विंटल वजन के अंदर, JHF जय हनुमान फाउंड्री सिरसा का ये बना हुआ व्हील है और एनवीटी के पैटर्न के द्वारा तैयार किया गया ये व्हील, बिल्कुल बैलेंस, कोई दर्द रहने की शिकायत नहीं, कोई वाइब्रेट की समस्या नहीं। ये समझ लो कि मेरा नाम तो मक्खन है और ये मक्खन जैसे ही चलता है ये। अच्छा ये जी, तो जैसा कि आपने भी कहा आपका ये एनबीटी थ्रेसर जिसे किसानों ने नाम दिया 5 स्टार जी, तो यह मक्खन की तरह चलता है जी। तो कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर चला सकता है इस मॉडल को? 35 HP का चाहिए। 35 HP का, हाँ 35 HP का ट्रैक्टर कम से कम इसके चाहिए। वैसे एनबीटी ने लॉन्च किया, किसी के पास अगर 22 HP का भी ट्रैक्टर है तो वो भी ऑर्डर पे तैयार हो जाएगा थ्रेसर जी जी। तो फिर तो जैसे आपने अभी कहा है कि मक्खन की तरह चलता है, फिर तो एवरेज तो बढ़िया देगा ही ट्रैक्टर। हाँ नहीं, मैंने नहीं कहा, लोग मेरे को कहते हैं और मक्खन सिंह क्या हाल है आपका, मक्खन कितने एचपी पे चलेगा जी जी। ये किसानों द्वारा किए हुए मजाक के रूप में ये सवाल है। अच्छा जी, तो इसके अलावा कोई और भी मॉडल लॉन्च किया आपने? किया है ना, मक्खन लगा दिया ना 5 स्टार को, एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल कर दिया ना जी, 5 स्टार को मक्खन लगाया और एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल तैयार किया, प्लस प्लस गुजरात मॉडल जी। तो इसमें प्लस प्लस गुजरात मॉडल का क्या मतलब है? देखो अगर प्लस प्लस की बात करें तो गुजरात के लोगों द्वारा उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए एक एक इस थ्रेसर की जो रिपोर्ट हमने तैयार करी, बिल्कुल गांव की चौपाल में जाके, किसानों के खेत में जाके चलती हुई मशीन का लाइव वीडियो बना करके किसानों द्वारा इस पर कार्य करवा के एक एक पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये 5 स्टार जो थ्रेसर एनवीटी गुजरात मॉडल है ये इसको लॉन्च किया गया। और गुजरात के किसान भाइयों ने इतनी इसको तैयार करवाने में मेहनत करी, मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो इसका मतलब तो आपको किसानों का काफी प्यार मिल गया हर जगह से। देखो जी ये बात तो कहने वाली है ही नहीं, किसान है तो हम है और हम है तो किसान है। मैं ये बात कहूंगा कि जो हमारी जो मेहनत और एनवीटी का जो प्रोडक्ट है, किसानों का प्यार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं हम इसके, जैसे आपने अभी कहा प्लस प्लस मॉडल है, तो इसमें पहले वाले मॉडल से तो हर चीज प्लस ही होगी जी, बिल्कुल प्लस है। चाहे रोलर की बात करें, चाहे इसके व्हील की बात करें, या ही साइड में पुलियों की बात करें, या चलने की लंबाई की बात करें, या इसके चलना हिलाने वाली डबल शाफ्ट की बात करें, ये पूरे किसान भाई जो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं ये प्लस प्लस मॉडल के अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इनकी इतनी जबरदस्त डिमांड है एनवीटी प्लस प्लस का, तो इसका तो मैं किसानों का धन्यवाद भरपाई करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जी। और यह जो एक यह क्या जुगाड़ है वाला जुगाड़ जो दे रखा है, ये तो रिवर्स है, कल को कोई ट्रैक्टर लोड ले लेता है, काम बस को दिक्कत होती है तो ये इसको उठाएंगे, पूरे का पूरा थ्रेशर पीसेस एकदम रुक जाएगा और इसको जैसे ही उठाएंगे ये वापस चालू हो जाएगा। अच्छा जी, तो बात करते हैं अब हम इसके, जैसे हम इधर देख पा रहे हैं तो ये पाइप जो लगा हुआ है जी, इसके पीछे क्या कारण है आपका लगाने का? देखो पाइप का जो कारण है, जो फिल्टर है जी, फिल्टर जो है, फिल्टर ने माल को ड्रम के अंदर डाल दिया जी, उसके आगे पहला और इस साइड से लास्ट अगर मानो तो वो एयर फैन लगा हुआ है, एयर फैन के माध्यम से थोड़ा बहुत दाना इस साइड में उड़ जाता है, हवा कम ज्यादा होती है और उस उड़े हुए दाने को वापस ड्रम के अंदर ये चला जाता है, ये पाइप का ये काम है। और यह कितने फैन है इसमें? इसमें 4 फैन है, लेकिन ड्रम की जो लंबाई इसकी मतलब ज्यादा है, साइज में जी बड़ा है जी। इसके भी 2 मॉडल हैं, 3 मॉडल हैं, 38 का भी मिल जाएगा, 42 और 45 एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल के अंदर। तो आपका यह वाला मॉडल जो इसे भी 35 HP का ट्रैक्टर आसानी से चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनवीटी का जो भी प्रोडक्ट है वो 35 HP से लेकर के अबव कितना भी हो सभी के ऊपर चलेगा। तो इसके अलावा और कोई मॉडल लॉन्च किया? मेरे सुनने में आ रहा था किसान भाई कह रहे थे, देखो इसके अलावा जो नया मॉडल आपको दिखा रहे हैं जी, पूरे का पूरा अगर मैं बात कहूं कि किसानों के अंदर इतनी खुशी की लहर जी, एनवीटी जेड मॉडल जो लॉन्च किया गया आपके सामने, एनवीटी जेड मॉडल 2023 की लॉन्चिंग,
और इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल ने तो लाजवाब जो है इस बार तहलका मचा दिया। हमारे नजदीकी क्षेत्र में हमने 20-35 थ्रेशर दिए और 2-4 थ्रेशर न्यू साई मार्केटिंग गुजरात ईडर में पड़ता है, हमारा डीलर ऑथराइज डीलर है गुजरात का, तो उसने तो पूरे का पूरा ये सिस्टम ही कर दिया कि जितने भी है मेरे को जेड मॉडल और एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल दो, जितने आप तैयार कर दो गाड़ियां लगवा के मेरी भिजवा दो। अच्छा जी, तो इसके पीछे वजह रही कि आपने इसका नाम जो है वो जेड मॉडल रख दिया। देखो हर चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते 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 बढ़ाते, ना मैंने सी मॉडल का सोचा ना मैंने डी मॉडल का सोचा, और इस थ्रेसर को इतना परफेक्ट कर दिया कि ए बी सी से सीधा ये जेड पे चला गया और ये एक्स और वाई और लास्ट में जेड पे जाके ब्रेक लगी, और इसलिए एनवीटी 2023 जेड मॉडल। तो आप रुके नहीं बी पे नहीं सी पे, डायरेक्ट जेड पे आ गए। किसानों ने रुकने नहीं दिया, पैर ही नहीं नीचे लगने दिए हमें। अच्छा, जेड पे जाके रोका उन्होंने, जेड पे जाकर रोका। तो इसके बारे में भी थोड़ी हमारे किसान दोस्तों को जानकारी दीजिए। देखो इसके चलने की बात करें तो ये सहज में थोड़ा लंबा है, अगर पंखे की बात करें और पंखे और चलने का सेंटर ज्यादा है, और अगर पंखे के सहज की बात करें वो भी इसका डाया बड़ा है, अगर साइडों में अगर ड्रम जाल की बात करें तो उसका भी घेरा बड़ा है, अगर व्हील की बात करें तो व्हील भी इसका हैवी है, और सबसे लाजवाब जो बदलाव इसके अंदर आया है डोली के अंदर, डोली के अंदर जो अगर बदलाव की बात करें तो इस डोली को 6 फुट लंबा कर दिया, ताकि बिल्कुल जैसे देखा होगा पोडियम का स्टेप अगर थोड़ा लंबा हो तो आदमी बूढ़ा आदमी इसके ऊपर चल जाता है, लेकिन इसका जेड मॉडल का ये सिस्टम कर दिया कि जैसे ही अगर चाहे तो पूरी गेगरी भी डाल दें तो भी ये डोली ऊपर चढ़ा के ले जाएगी, डोली में कोई भी माल नहीं बचेगा। अच्छा जी, तो ये इसमें कितने फैन लगे हुए हैं? ये 4 फैन का थ्रेशर है, लेकिन इसकी ये वाली लंबाई बहुत ज्यादा है और इसमें भी आरपीएम कम ज्यादा करने का पूरा सिस्टम लगा हुआ है जी। तो इसे भी वही 35 HP का ट्रैक्टर आसानी से चला सकता है। 35 HP का ट्रैक्टर इसको आसानी से चलाएगा, जितना मॉडल को चेंज किया जाएगा उतना ट्रैक्टर हल्का चलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी। अगर एनवीटी 5-स्टार की बात करें तो वो मॉडल अलग है, एनवीटी प्लस प्लस की गुजरात मॉडल की बात करें वो अलग है, और अगर जेड मॉडल की बात करें तो इसके बाद तो फिर जेड के बाद में तो एनवीटी क्या बनाएगी, वो किसान जो प्यार देंगे हमें उसके बारे सोचेंगे जी। तो अब जो हमारे किसान भाई वीडियो देख पा रहे होंगे उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह मशीन जो आप किन किन फसलों के लिए लाभदायक है? देखो ग्वार बाजरी सरसों चना मूंग मोठ मेथी इस सब धनिया जीरा रायडा गेहूं तुवर मक्का ये तमाम तरह की फसलें एनवीटी पूरे के पूरे मल्टीक्रॉप थ्रेसर, चाहे वो 5-स्टार की बात करें या एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल की बात करें या एनवीटी जेड मॉडल की बात करें, तमाम फसलें निकलेगी। अगर सूखे और गीले की बात करें, गीले वाले मॉडल आपको दिखा दिए, अगर सूखे की बात करें अगर पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे आधा टूट जाएगा, वैसा माल एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल में एनवीटी जेड मॉडल के अंदर एनवीटी 5-स्टार के अंदर निकाला जाएगा। तो यानी कि बहुत सारी फसलों को आपका एक ही एनवीटी थ्रेसर काफी है, दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात करते हैं हम, जैसे हमारा किसान भाई होता है जी, उसकी जेब थोड़ी ढीली हो जाती है, उस पर इतना पैसा नहीं हो पाता कि वह एक बारी में इन थ्रेसर का पूरा पैसा दे पाए जी, तो वो सोचता है कि मुझे थोड़े बहुत लोन पॉइंट मिल जाए या छूट पूट की सुविधा हो जाए, तो क्या सुविधा आपके पास? इसमें छूट की भी सुविधा है और ये लोन की भी, देखो लोन फैसिलिटी अवेलेबल जी, किसान दोस्तों देख सकते हैं आप लिख रहा है यहाँ पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए किसान और अपना जो है आधार कार्ड से सिविल चेक करवाए, सिविल ओके होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर उसको बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा, और इसके अलावा अगर डायरेक्ट कंपनी में भी आता है तो भी लोन दिया जाएगा, जैसे ही बैंक ने डीओ दिया किसान को थ्रेसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और किसान साथियों जैसे ही आपके बैंक का डीओ आ गया और डीओ आते ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपका थ्रेसर डिस्पैच किया जाएगा, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो जी। तो क्या आपके इन एनबीटी थ्रेसर पर कुछ गारंटी वारंटी है या नहीं है? देखो गारंटी पीरियड के अंदर जो भी थ्रेसर होगा कंपनी की ओर से उसको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। वैसे किसान के साथ हमारा बहुत लंबा रिश्ता है, जब तक एनवीटी का नाम तब तक हम किसान के साथ। वारंटी पीरियड के अंदर जो भी कोई दिक्कत आती है, हमारी जो सर्विस टीम है पूरे इंडिया के अंदर घूम रही है और किसान को वो सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन जब थ्रेसर वारंटी पीरियड से बाहर है, चाहे वो 10 साल भी पुराना क्यों नहीं है, किसान से उसका सर्विस चार्जर लेकर के उसको सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपकी कंपनी सर्विस की क्या सुविधा देती है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्विस टीम जो घूम रही है और किसी भी कोने से अगर कोई दिक्कत आती है 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी जी। तो ऐसा होता जो हमारे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो कुछ आसपास के हैं, वो तो आपकी कंपनी में
आसानी से आ सकते हैं और आपके प्रोडक्ट देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा किसान भाई आपकी वीडियो को दूर देख रहा है तो वो कैसे इन मशीनों को मंगवा सकता है? देखो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मैंने आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनवीटी के डीलर हैं, वो डीलर के पास जाए, वहाँ टोकन जमा करवाए, जब उसका थ्रेसर पहुंच जाए वो पेमेंट जमा कराए और आपका थ्रेसर ले जाए। जी अब बात करते हैं हम, क्या आपके एनबीटी थ्रेसर पर सब्सिडी है या नहीं है? सब्सिडी है ना, लिखा हुआ है ना किसानों की, किसान दोस्तों देख सकते हैं आप, और ये जैसे सब्सिडी अप्रूव्ड है, ये सब्सिडी अप्रूव्ड है जी। कितने परसेंट सब्सिडी मिल जाएगी किसान भाई को? हर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, जो स्लैब गवर्नमेंट की बनाई गई है उसी आधार के ऊपर सब्सिडी किसानों को मिलेगी जी। तो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाए हैं मल्टी क्रॉप एनबीटी थ्रेसर। मैंने किसान भाइयों के मुंह से काफी नाम सुना था एनबीटी एनबीटी एनबीटी, तो किसान दोस्तों आज मैंने आपको दिखा दिया कि क्या है एनबीटी थ्रेसर। वाकई में एनबीटी थ्रेसर अपने आप में ब्रांड है। तो किसान दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। किसान दोस्तों जैसे कि वो एड चलता है या कोई किसान भाई भी कहता है कि वॉशिंग पाउडर का मतलब निर्मा और ठंडे का मतलब कोको कोला, थ्रेसर का मतलब एनबीटी, तो किसान दोस्तों आज मैं भी कहने पर मजबूर हो गया इनकी कंपनी के बाद कि थ्रेसर मतलब एनबीटी। तो किसान दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलता हूं और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।